देश की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने कमाई के मामले में टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज मानी जाने वाली रिलायंस जियो को पछाड़ दिया है। एयरटेल ने दिसंबर तिमाही के नतीजे में प्रति यूजर से होने वाली कमाई की वजह से घाटे से उभरकर बंपर मुनाफा कमाया है। तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू 5.8% बढ़कर 26,517.8 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसी साल की पिछली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 25,060.4 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पिछली तिमाही की तुलना में ARPU यानी प्रति यूजर से होने वाली कमाई भी 2.4% बढ़कर 162 रुपए से 166 रुपए हो गई है, जबकि रिलायंस जियो के दिसंबर तिमाही के नतीजे में कंपनी का ARPU 145 से बढ़कर 151 प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमा रहा। इसका मतलब साफ है कि भारतीय एयरटेल ने जियो को इस मामले में पटखनी दे दी है। एयरटेल के मुनाफा कमाने की बड़ी वजह ऑपरेटिंग ग्रोथ और मोबाइल टावर से होने वाली कमाई को भी माना जा रहा है। एयरटेल की प्रति मोबाइल टावर कमाई 4.4% बढ़कर 2.43 लाख रुपए रही। वहीं कंपनी को तीसरी तिमाही में 853.6 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 1,035 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि पिछली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 763.20 करोड़ रुपए रहा था। इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA 12,177.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 45.9% रहा। वहीं जानकारों के मुताबिक कंपनी का मुनाफा इस तिमाही में 168 करोड़ रुपए रह सकता है। आपको बता दें कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी EBITDA का मतलब कंपनी की नेट इनकम होती है, जो कि इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को मिलाकर बनती है। भारतीय एयरटेल ने नवंबर में लगातार चौथे महीने नए ग्राहकों को जोड़ने के मामले में भी बाजी मार ली थी। एयरटेल ने नवंबर में सबसे ज्यादा 43.7 लाख नए ग्राहक जोड़े, जिसके बाद कंपनी का कुल यूजर बेस 33.465 करोड़ का हो गया है। वहीं नवंबर में रिलायंस जियो ने 19.3 लाख नए ग्राहक जोड़े, जिसके बाद कंपनी का कुल यूजर बेस 40.829 करोड़ हो गया है। भले ही नए ग्राहक को जोड़ने के मामले में एयरटेल ने बाजी मारी हो, लेकिन जियो के नाम अब भी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होने की वजह से सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर होने का खिताब है। अब ये दोनों कंपनियां 5G की दौड़ में शामिल हैं। इस दौड़ में भी फिलहाल भारतीय एयरटेल हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस की सफलतापूर्वक टेस्टिंग करके जियो से आगे निकलती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बम्पर मुनाफा और 5G का सफल ट्रायल का एयरटेल के शेयरों पर कितना असर पड़ता है।